हाय एवरीवन, इट्स मी श्रुति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस कलर के अकॉर्डिंग फेस्टिव मेकअप लुक करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट टोनर अप्लाई करूँगी, जो टोनर गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर जो मैं लगाती हूँ। इसको हम पहले शेक करेंगे अच्छे से। अब ऑलवेज आप कभी भी टोनर अप्लाई करो तो पहले उसको शेक कर लो, उसके बाद आप अप्लाई करो। इसे डैब 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 करके थोड़ा सा अपने आप स्किन को मसाज दे सकते। मॉइस्चराइजर बायोटिका मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर जो मैं लगाती हूँ, ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के अकॉर्डिंग है और ये काफ़ी अच्छा है। इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ रेगुलर। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को, उसके बाद प्राइमर जो कि स्विस ब्यूटी का है, जीरो पोर्स प्राइमर। और लिटरली इसका बहुत अच्छा है, एक मैट फिनिश देता है और ये बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया ये वाला। ज़्यादा हैवी फाउंडेशन नहीं करूँगी मैं, बहुत ही लाइट फाउंडेशन करूँगी। तो मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ पहले ही। फाउंडेशन जो मेवलिन फिट मी का है, मेरा शेड है 128 वॉर्म न्यूड। तो मैं डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, बहुत ही लाइट करना है। तो मैंने बहुत ही अपने ब्रशेस पे बहुत ही कम प्रोडक्ट लिया है। इसको डैपिंग फॉर्म में, हमेशा अपने ब्रशेस को डैपिंग फॉर्म में चलाओ, ताकि क्या होता है कुछ ऐसे कम फाउंडेशन निकल जाता है, वो स्किन पे रुकता नहीं है। तो उसको डैपिंग फॉर्म में लेना चाहिए ताकि वो स्किन में अच्छे से कवरेज अच्छी आएगा। कंसील करूंगी जो डार्क एरियाज पे जो हम कंसील करते हैं, वो शेड नंबर 03 जो मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ शेड है, इसको मैं स्पॉन से इसको मैं सेट कर लूंगी। अब फाउंडेशन को लॉक करने के लिए मैं ये फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ। सो नाउ अब मैं आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप जैसे मैंने कलर पहना हुआ है, उस कलर के अकॉर्डिंग ही मैंने डिसाइड किया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। अगर आप मेकअप में प्रो नहीं हो फिर भी आप कर सकते हो, इतना इजी है। जैसे कि कोई भी कलर अप्लाई करने से पहले आप अपने आई क्रीज लाइन को कंटोर करते हो, तो ऐसे कंटोर कर लेना है लाइट शेड से, न्यूट्रल शेड से। कंट्रोल कर लिया है अब मैंने। अब मैं सेकंड शेड जो यूज करूंगी, जो मेरी साड़ी से मैच करता हुआ शेड है, जो मेरे आई शेडो पैलेट में ये वाला है। थोड़ा सा शिमर दूंगी टच और थोड़ा सा मैट फिनिश, मैट आई शेडो, दोनों को मिक्स करके अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो शेड है वो लगा दिया। फर्स्ट हम डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद आप उसको अच्छे से स्मज करोगे सेकंड ब्रश से। अब जिस ब्रश से पहले इसको डिपॉजिट करते हो, सेम ब्रश आप उसको स्मज करने के लिए यूज ना करें तो बेटर रहता है, क्योंकि नहीं तो ना फिर वो एक्स्ट्रा ऊपर फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैं सेकंड ब्रश यूज कर रही हूँ उसको स्मज करने के लिए। उसकी लाइनिंग जो होती है, उसको लाइनिंग ही खत्म कर दी थी ना स्मज करके, फिर एक फिनिशिंग आती है अच्छी। अब जो शिमर शेड है, जो एग्जैक्ट ये कलर है, उस शेड को मैं आईज के फ्रंट एरियाज पे अप्लाई करूंगी, वो भी फिंगर टिप से। ऑलमोस्ट 80% आईज पे मैं इस शेड को अप्लाई करूंगी, क्योंकि पूरा लुक ही इस शिमर आई शेडो से क्रिएट होगा। अब मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लशर पैलेट। इसमें हाइलाइटर भी मिल गया है आपको, ब्लशर है, और जो ये दो शेड है डार्क शेड है, इसको एज अ कंटोर भी आप यूज कर सकते हो। तो इसको एज अ कंटोर में यूज करूंगी।
कंटूर हो गया है। अब मैं इसी के साथ ब्लशर अप्लाई कर दूंगी और ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट, लिपस्टिक पैलेट जो कि स्विस ब्यूटी का है। इसे मल्टी कलर्स आपको मिल जाता है, लाइट डार्क आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सारे कलर्स इसमें अवेलेबल है। मस्कारा जो कि हाइपोकॉल वाटरप्रूफ मेबलिन का है,